नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है सिविल सर्विसेज 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओनली आईएएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स का फाइनल लिस्ट में नाम आया। लेकिन देखो, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ये बताना कि ओनली आईएएस के 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, 60 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने एक प्रोमिस आपसे लेने के लिए इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। मैं आपसे आज एक वादा ये लेना चाहता हूँ, एक आज का दिन है, आप अपने आप से ये वादा कीजिए कि अगले साल ये जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका नाम होगा और इसके लिए आप अपना 200% देने को तैयार हो। आप किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के आने वाले एक साल में आप मेहनत करोगे। देखो, जो टॉपर्स हैं वो कोई यूनिक नहीं होते। मैनक घोष जो कि ओनली आईएएस के स्टूडेंट हैं, आप इनसे मिलोगे, ही इज सच ए हार्ड वर्किंग एंड सच ए सिंपल पर्सन, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा सिर्फ सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है। नमिता शर्मा, ये ओनली आईएएस के स्टूडेंट हैं, इनका सोशोलॉजी ऑप्शनल, इनका 6th अटैम्प्ट था, इन्होंने हार नहीं मानी। 5 अटैम्प्ट के बाद भी उसी एनर्जी के साथ इन्होंने प्रिपेयर किया और वो भी मुंबई में जॉब करते हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप मेहनत का जो रास्ता है वो कभी भी मत छोड़िए बिना डायरेक्शन के। सभी स्टूडेंट्स की यही स्टोरीज है जिनका सिलेक्शन हुआ अपनी कम्युनिटी से। बस मैं आपसे एक प्रॉमिस आज ये लेना चाहता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर लिखिएगा, येस आई प्रोमिस आई विल गिव माई 200% और नेक्स्ट ईयर जब लिस्ट आएगी तो मेरा नाम होगा। कॉमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर लिखिएगा। थैंक यू।